खान साहब, ये जो आसिफ जरदारी है, ये निभागा जिस जगह जाता है कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करके आता है। अब उसने फिर पुराने जमाने की इंजन को स्टार्ट कर दिया। उस इंजन की कंपनी का नाम है चौधरी शुजात। खान साहब, इसको कोई मीठा सा लॉलीपॉप खिलाओ, एक जरदारी सब पे भारी हो गया है निभागा। देखें, एक जरदारी सब पे भारी नहीं है, एक जरदारी पूरे मुल्क की ख्वारी है। आजकल ये जो लोगों को रिश्वत देके खरीद रहा है, अगर मैं चाहूँ तो इस आसिफ जरदारी को भी खरीद सकता हूँ, मगर लोग कहेंगे इमरान खान ने कबाड़ खरीदना शुरू कर दिया है। हाँ साहब, एक बात समझ में नहीं आ रही, ये जो चौधरी शुजात है, जले हुए शौरमे की तरह इसका मुंह है, ये उम्र के इस हिस्से में भी नहीं सुधर रहा, आखिर क्यों? खान साहब, अब तो चौधरी शुजात इतना एक्सपायर हो चुका है, मैंने अखबार में पढ़ा था कि हर रोज सुबह को चौधरी शुजात रक्षा पे बैठकर खुद इसराइल के पास जाता है और उससे पूछता है मेरे पास कब आ रहे हो। चौधरी शुजात तो ऐसा आदमी है जैसे रोटी के साथ बची हुई ग्रेवी होती है। ये आदमी भी आवाम के साथ गेम कर रहा है, कब जान छूटेगी हमारी इन फ्रॉडियों से? खान साहब, मेरे प्यारे पाकिस्तानिया, घबराना नहीं है, आसिफ अली जरदारी के साथ ये जितने भी चोर मिले हुए हैं, अब इन सब को चौका और चक्का लगाने का टाइम आ गया है। ऐसी शॉट लगाऊंगा, ये सारे दो नंबर लोग पाकिस्तान से बाहर जाके गिरेंगे। साहब, आजकल टीवी पे आसिफ जरदारी बार बार बोल रहा है कि अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो को बनाऊंगा। देखें, बिलावल के लिए तो हमारा शेख रशीद भी काफी है। खान साहब, आसिफ जरदारी हर हुकूमत के साथ ऐसे टच है जैसे चाय के साथ पापा होता है। सिंध को तो इसने बैठकर ऐसे आराम से खाया है जिस तरह बिल्ली चूहे को खाती है। खान साहब, जल्दी आजाद कराओ हम पाकिस्तानियों को इन नकली लोटों से। अब मेरे नौजवानों, जिस दिन कप्तान इक्तदार पे आ गया, उस दिन तुम इन सब लुटेरों को बड़े बड़े बंगलों और सीटों के बजाय रोडों पे देखोगे। आसिफ जरदारी सैलून पे लोगों के बाल बनाएगा, आवाज गंजा कपड़े इस्त्री करेगा, और शहबाज ड्राइवर बनकर प्राइवेट बस चलाएगा।